ज्वाइन नहीं किया। अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आज हमने क्या करना है, आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपने कोई भी अपना प्रोजेक्ट जो है वो ऑन करना है, तो उसको चलाने के लिए आपने PHP या MySQL का कोई भी वर्क करना है, उसके लिए आपको अपाचे और MySQL को स्टार्ट करना है। ठीक है, अपाचे और MySQL को हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के बाद आज हमने डेटाबेस का भी देखना है, तो यहाँ पे एडमिन पे क्लिक कर रहे हैं। आपको पता है हमारी डेटाबेस आपको यहाँ पे शो होगी, क्योंकि हमारा MySQL का एडमिन पैनल आपको शो होगा। उसके अलावा अगर हम लोग हमारा सबलाइन देखें, तो कल हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक है, हमने इतना काम किया था कल, config.php बनाई थी और index.php पे इतना काम किया था हमने। मैं कंट्रोल प्लस कर देती हूँ। ठीक है, अब बच्चे हमने नेक्स्ट क्या करना है, पहले हम अपना प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। अच्छा, हमने क्रिट के नाम से बनाई थी। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास ये टेबल्स पड़े हुए हैं जो हम बना रहे हैं अभी। अब उसके बाद हमने क्या करना था, हमने अगर अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है, तो हम कैसे ओपन करते थे, लोकल हॉस्ट स्लैश, उसके बाद हमारे फोल्डर का नेम। तो यहाँ पे क्रूड अंडरस्कोर HTML था हमारे टेबल का नेम, सॉरी फोल्डर का नेम, जिसके अंदर हमारी फाइल्स पड़ी हैं। अब बच्चे यहाँ तक हमने काम कर लिया था। आप देखो, अब आपके पास यहाँ तक आपने क्या किया था, सिलेक्ट किया था सारे का सारा स्टूडेंट के टेबल से, और स्टूडेंट के टेबल आपका क्या था, ये वाला था। अब यहाँ पे क्लासेस 1 1 1 3 3 लिखा हुआ है, बट ये वाली जो क्लासेस हैं यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट क्लास के, मैं ओपन इन अ ब्राउजर अगर कर दूँ, तो बच्चे आप चेक करो कि स्टूडेंट क्लास का यहाँ पे 1 2 3 4 1 के अगेंस्ट BCA लिखा हुआ है, 2 के अगेंस्ट BTech लिखा हुआ है, 3rd के अगेंस्ट BSc लिखा हुआ है, 4th के अगेंस्ट BCom लिखा हुआ है। अगर मैं इसको टैप प्रेस करूँ, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब जिसकी क्लास 1 है, मैं रुके स्प्लिट डाउन कर रही हूँ, विंडो और राइट एरो, विंडो रुके, विंडो और राइट एरो, ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने स्प्लिट डाउन किया है। आप देखो यहाँ पे, अब आपके पास ये जो चीज आ रही है, ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे 1 है वहां पे, यहाँ पे उसका मतलब है ये BCA है, जहां पे यहाँ पे 3 है उसका मतलब यहाँ से BSC आ रहा है। हमने अब ये वाला डाटा जो है इससे फेच करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारी क्यूरी के अंदर बच्चे ज्वाइन लगाएंगे। जब एट अ टाइम हमने दो टेबल्स में से डाटा कलेक्ट करना होता है, तो हम लोग ज्वाइन लगाते हैं कि हमने स्टूडेंट वाले टेबल के साथ साथ हमने स्टूडेंट क्लास वाले टेबल में से भी डाटा लेना है। ठीक है, उसमें से हमने कौन सा कॉलम शो करवाना है, सी नेम वाला कॉलम शो करवाना है, इसलिए हमें ज्वाइन लगाना पड़ेगा। हमने क्या किया था, यहाँ पे इको कर दिया था जो जो कॉलम हमें चाहिए था। अगर मैं अभी, मुझे अभी कौन सा चाहिए बच्चे, मुझे सी नेम वाला चाहिए, इसको मैं इधर ही ले जाती हूँ। यहाँ पे देखें, मुझे अभी सी नेम वाला कॉलम शो करवाना है। अगर मैं यहाँ पे सी क्लास की, एस क्लास की जगह जाके सी नेम लिख दूंगी, अभी मैंने ऊपर जिस डाटा जो सिलेक्ट किया हुआ है वो किससे किया हुआ, स्टूडेंट से किया हुआ है, मैंने स्टूडेंट क्लास वाले टेबल का कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे जाके देखिएगा आप, यहाँ पे जाके अगर मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे उसने हमें एरर शो करवा दिए, लाइन नंबर 39, अनडिफाइंड इंडेक्स सी नेम। मतलब अनडिफाइंड इंडेक्स मीन वो बता रहा है कि सी नेम नाम का कोई भी जो कॉलम है वो हमारे पास नहीं है, किसके अंदर नहीं है, हमारे स्टूडेंट नेम के टेबल के अंदर नहीं है। अब हमें स्टूडेंट क्लास से भी डाटा चाहिए, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी ज्वाइन स्टूडेंट क्लास, मतलब दोनों से डाटा चाहिए। अब दोनों में से डाटा चाहिए, तो हमें वहां कंडीशन लगानी पड़ेगी वेयर वेयर, बच्चे यहाँ पे देखिए, हम कहेंगे कि जहां पे एस क्लास स्टूडेंट टेबल
टेबल की एस क्लास वाला कॉलम जो है वो इक्वल टू किसके है, स्टूडेंट क्लास के सी आई डी के, क्योंकि यहाँ पे अगर वन है, यहाँ पे देखिए वन है तो उसका मतलब जहां जहां वन है वहां पे बी सी ए है, हमें नंबरिंग के थ्रू पता चल रहा है कौन सी क्लास यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे वेयर लिख दोगे स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट में से, स्टूडेंट वाले टेबल में से एस क्लास इज इक्वल टू स्टूडेंट क्लास वाले टेबल में से डॉट सी आई डी इक्वल है। फाइल को सेव किया मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखें अब हमें वो वाले शो करवा रहे। ठीक हो गया, अब हमें वो क्लासेस को शो करवा रहे। यहां तक कोई क्वेश्चन तो मेरे से पूछें, मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या किया, हमने बच्चे जब दो टेबल्स में से डाटा लेना होता है तो हम यहाँ पे ज्वाइन लगाते हैं कि हमें स्टूडेंट वाले टेबल के साथ साथ हमने स्टूडेंट क्लास वाले टेबल में से भी डाटा लेना है, और वेयर कंडीशन हमने लगाई कि अब हमने कंडीशन लगानी थी कि हमारी जो क्लास है वो किसके इक्वल है, किस हिसाब से हमें मिले। तो यहाँ पे ये नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि उधर अगर हम नंबरिंग लिख रहे हैं, अगर वन लिख रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कौन सी क्लास आ रही है, अगर हम लोग थ्री लिख रहे हैं उसके अगेंस्ट कौन सी क्लास आ रही है, जहां पे सी आई डी इक्वल टू किसके है, एस क्लास के इक्वल है। ठीक है, वो कंडीशन लगाई हम। अब ये हमने क्या किया बच्चे, ये हमने डाटा को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने एड डॉट पी एच पी का काम करना है। एड डॉट पी एच पी का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा एक काम रहता है कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो तो ऊपर देखो आपके पास यहाँ पे उस आईडी का, उस बंदे की आईडी नंबर आनी चाहिए किस बंदे के रिकॉर्ड को आपने एडिट पे क्लिक किया है। जैसे यहाँ पे देखो अगर मैं इस पे एड पे क्लिक करूं मुझे आईडी नंबर ऊपर 12 शो होनी चाहिए, तो उसको शो करवाने के लिए आप यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग में जाओ, अकॉर्डिंग में जाने के लिए यहाँ पे एडिट डॉट पी एच पी जहाँ पे लिखा हुआ है बटन जो क्रिएट किया हुआ है वहां पे जाके आपने क्या कर देना है, क्वेश्चन मार्क वेयर आईडी एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू ये जो पी एच पी लिखा हुआ है, ये वाला कोड है आईडी वाला, यहाँ से कॉपी करे बच्चे, यहाँ जाके पेस्ट कर दे। ठीक है, इससे हुआ क्या है, यहाँ पे देखिएगा मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो यहाँ पे अब इस वाले यूजर नेम को मैं एडिट पे क्लिक करूंगी, अब मुझे ऊपर यूआरएल के अंदर उसकी आईडी शो करवाएगा। एडिट कर रही हूँ, आईडी इज इक्वल टू 11, बैक जा रही हूँ, यहाँ पे मैं इस वाले बंदे की आईडी रिकॉर्ड को मैं यहाँ से एडिट करती हूँ इसको, यहाँ पे ऊपर देखिए आईडी इज इक्वल टू 12 आ गया। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि जब हमने अपडेट करना है तो हमें उसका पहले से यहाँ से जो डाटा रिकॉर्ड मौजूद है वो यहाँ पे हमें शो होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए किया। यही वाला काम वेयर वाला उठा के मैं इससे इतना कॉपी करूंगी बच्चे, और यहाँ पे जाके डिलीट वाले पे जाके पेस्ट कर दूंगी। फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, अब डिलीट वाला भी आपको शो नहीं होगा बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी डिलीट वाला काम करना है, ये इनलाइन डिलीशन है। ठीक है, अभी ये हमने करनी है। अब देखे बच्चे नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, नेक्स्ट आपका हम लोग एड डॉट पी एच पी की तरफ मूव करेंगे। एड डॉट पी एच पी का क्या मतलब होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब मैं शो करवा दिया हमने डाटा, अब यहाँ से मैं एड पे क्लिक करूंगी कि यहाँ से मैं अगर कोई डाटा यहाँ पे देखें लिखूं, मैनुअली लिखूं, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे क्या कर दे, यहाँ पे डाटा जो है वो शो कर दे। अब वो कैसे करेगा, ये देखिए मैंने एड पे क्लिक किया, ऊपर नजर आ रहा है एड डॉट पी एच पी, इसका मतलब अब जो काम करना है हमने वो किसके अंदर करना है, एड डॉट पी एच पी के अंदर करना है। तो यहाँ से आपके पास यहाँ पे एड डॉट पी एच पी फाइल क्रिएट की हुई है, यहाँ से एड डॉट पी एच पी पे आप मूव करें। एड डॉट पी एच पी पे मूव करने के बाद सबसे पहला जो आपने करना है, यहाँ पे जो सिलेक्ट क्लासेस आ रही है, यहाँ पे हमारी वो क्लासेस आनी चाहिए जो हमारे डेटाबेस के अंदर क्लासेस हैं, स्टूडेंट क्लास के अंदर फॉर क्लासेस है, यहाँ पे स्टैटिक क्लासेस नहीं हमें चाहिए, हमने डायनामिक लेके आनी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, सबसे पहले आप क्या करो,
यहाँ पे लेबल या सिलेक्ट के बाद ये ऑप्शंस जो यहाँ पे आ रहे हैं, इसके बाद आप लिखो पीएचपी, टैब प्रेस किया, एंटर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाएं, ऊपर मूव करें बच्चे, हमें फाइल को कॉन्फिग भी करना है, कॉपी करें, मतलब हमने कनेक्शन क्रिएट करना है सबसे पहले डेटाबेस के साथ, इसका फाइल को सेव कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से अब डाटा को सिलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट करने के लिए बच्चे यहाँ पे हमें ये क्यूरी, हम लोग यहाँ से और ये वाली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। अभी हमें इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। इधर मूव कर्सर रखे, टैब प्रेस कर दीजिएगा, वो आगे को मूव कर जाएगा। अभी हम लोग इतना काम करते हैं, तो अब देखें आपने जो डाटा लेना है वो किस वाले टेबल में से लेना है बच्चे। आपने टेबल स्टूडेंट क्लास वाले में से लेना है। कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ये स्टूडेंट भी नहीं चाहिए हमें, ज्वाइन भी नहीं चाहिए और वेयर क्लॉज भी नहीं चाहिए, बस इतना कि स्टूडेंट क्लास में से हमें डाटा लेना। उसके बाद अब हमने इन ऑप्शंस के अंदर शो करवाना है, तो उसके लिए बच्चे यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप व्हाइल लूप लगाओगे। नीचे मूव करें तो यहाँ पे ये जो व्हाइल लूप वाला था, यहाँ से डाटा को फेच करेंगे, कॉपी करें इसको, एड डॉट पीएचपी पे जाएं और यहाँ जाके एंटर करें और पेस्ट कर दें। ये ब्रैकेट जो ओपन है इसको हमें क्लोज करना है, तो इसको सिलेक्ट के क्लोजिंग टैग से पहले जाके पीएचपी लिखें, टैब प्रेस करें और इसको क्लोज कर दें। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे जाके अगर आप मूव करो, रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे सिलेक्ट क्लासेस देखें, वो वाली क्लासेस रिपीट हो रही है बार बार। हमें अब क्या करना है, सबसे पहला काम ये ऑप्शंस जो एक ही ऑप्शन रखना है, जैसे हमने पीछे टीआर जो सारी मूव कर दी थी, इसी तरह यहाँ से ऑप्शन जस्ट एक ही रखेंगे और रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे देखिए चार हमें शो कर रहा है वो, क्यों? क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर चार हमारी क्लासेस हैं। अब यही वाली क्लासेस को हमें दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ से जाएं, यहाँ पे सी नेम वाला जो इको किया हुआ है यहाँ से इसको कॉपी करें और एड डॉट पीएचपी के अंदर जाके यहाँ पे बी सी ए के यहाँ पे पेस्ट कर दें। फाइल को सेव करते हैं, हम चेक करते हैं क्या हमारा रिजल्ट हमें मिल रहा है। रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए मिल रहा है। अब जब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ बच्चे, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी आईडी या वैल्यू वगैरह नहीं मिल रही, तो हमें वैल्यू भी लेनी है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे जाके वैल्यू के अंदर आप यहाँ से एस आई डी वाला जो है, ये कॉपी जो यही वाला किया हुआ है हमने, पेस्ट करें यहाँ पे और यहाँ पे सी आई डी लिख दें। सी आई डी क्यों? क्योंकि हमारा ये जो कॉलम का नेम है वो सी आई डी है। यहाँ पे रिफ्रेश, सॉरी ESC प्रेस कर लिया करें अगर ऐसा कोई ब्लॉक आए। और यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ, सिलेक्ट दी क्लास करूँ और यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करें। वैल्यू सिलेक्टेड डिजेबल, यहाँ पे वैसे देखिए नीचे आपको शो कर रहा है वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, क्या आपके यहाँ भी 1 2 3 4 वही वाली है? ठीक हो गया, ये चेक कर लेना आपने, ये वाले ऑप्शंस चेक करें, ये देखें। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, ये हमने इतना काम कर लिया कि यहाँ से सिलेक्ट का कर लिया, ठीक है। अब बाकी जो काम हमने करना है वो किस फाइल के अंदर करना है, हमने यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है, तो हमारा काम हो। सेव के बटन पे क्लिक किया, सेव डाटा डॉट पीएचपी पे ले गया। यहाँ से इसका मतलब हमने अब जो काम करना है वो सेव डाटा डॉट पीएचपी के अंदर करना है। अब बच्चे सेव डाटा डॉट पीएचपी कैसे हमें पता चला हमने सेव डाटा डॉट पीएचपी के अंदर करना है? जब आप कोई फॉर्म क्रिएट करते हो उसके एक्शन में लिखा होता है कि जब हम सेव, इसके एक्शन का मतलब होता है जब उसके बटन पे क्लिक करें तो आगे से वो हमें रिस्पॉन्स में किस फाइल पे लेके जाए। अब यहाँ से सेव डाटा डॉट पीएचपी पे जो काम होगा, जो हमारी कोडिंग होगी उसकी वर्किंग करेगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक कर रही हूँ और फाइल को यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने सेव किया सेव डाटा डॉट पीएचपी पे। ठीक है, यहाँ पे हम सेव एंटर कर देते हैं।
अब यहाँ पे हमें insert की क्यूरी लगानी होगी। यहाँ पे पहले सबसे php एंटर करें, उसके बाद config dot php। सबसे पहले हमने फाइल को क्या करना होता है, कनेक्शन क्रिएट करना होता है फाइल का। या इधर कनेक्शन क्रिएट किए बगैर भी वैसे काम चल सकता है, वैसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी लेबल्स हैं इनको गेट करना है। पहला लेबल आपका नेम का आ रहा है, इनपुट फील्ड आपके उसका नेम क्या है, एस नेम है। दूसरा आपका एड्रेस आ रहा है, उसका इनपुट फील्ड का नेम क्या है, एस एड्रेस है। थर्ड आपका क्लास आ रहा है, उसकी इनपुट फील्ड का जो नेम है वो बच्चे क्या आ रहा है, वो आपके पास क्लास नेम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे देखें आपके पास, अब हमने इनको गेट करना है तो कैसे करेंगे, आपके फॉर्म से अगर आपने कोई चीज लेनी हो तो आप डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड, उसको कहते हैं हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। यहाँ क्या लें, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमा लगा रही हूँ, यहाँ पे जाके मैं सेमी कॉलन लास्ट पे। अब बच्चे पहला जो आपका इनपुट फील्ड है उसका नेम है एस नेम, इसको कॉपी करें एस नेम, नेम के लिए, और यहाँ पे जाके अंदर पेस्ट कर दें। फाइल को सेव किया, इसी चीज को कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। दूसरा हमारा एस एड्रेस था, ये देखें एस एड्रेस है, दूसरा इनपुट फील्ड का नेम। थर्ड हमारा क्लास है, और फोर्थ हम चेक कर लेते हैं, फोर्थ हमारा एस स्पून है। अब क्लास और एस स्पून रह गया, क्लास, और यहां पे जाके एस स्पून। अब हमें ये बार बार लिखना पड़ेगा जहां पे हमारे, मतलब हमने क्यूरी के अंदर हमें ये चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं, ताकि जहां हमें इनकी जरूरत है हम वहां पे जस्ट वेरिएबल लिख दें। यहाँ पे आप डॉलर एस टी यू अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, ये देखिए इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दो। आप अपना यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है उसका नेम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, यहाँ पे स्पेस भी दे दूँ और इधर जाके पेस्ट कर दूँ और स्पेस इज इक्वल टू। यहाँ पे मैं पहले सारे पेस्ट कर दूं, फिर मैं यहाँ पे चेंजिंग करती हूँ। अब वेरिएबल्स के नेम हम अकॉर्डिंग उसके रख देते हैं। यहाँ पे एड्रेस था तो एड्रेस को कॉपी करते हैं, नेम की जगह हम लोग यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। यहाँ से क्लास है, कॉपी करते हैं, नेम की जगह हम यहाँ पे क्लास को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे फोन है तो यहाँ पे इसको कॉपी करके नेम की जगह यहाँ पे हम फोन लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारी क्यूरी को चलाएंगे। अब क्यूरी को आपको पता है हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डॉलर एस क्यू एल इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने डाटा ऐड करना है, ठीक है, हमने यहाँ क्या करना है, डाटा को ऐड करना है। अब डाटा को ऐड करना है तो उसका मतलब हमें यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी लगानी पड़ेगी। इंसर्ट का मतलब होता है डाटा की एडिशन का। अब यहाँ पे सबसे पहले, अब जब क्यूरी चलाते हैं आपको पता है दो पैरामीटर्स की जरूरत होती है, एक आपका कनेक्शन होता है, एक आपका क्यूरी होती है। कनेक्शन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इंक्लूड config dot php, उसमें हमारा कनेक्शन है। अब यहाँ पे देखें SQL, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, insert into, किसके अंदर insert करना है, हमने हमारा जो student class, student name का जो table है उसके अंदर हमने data को insert करना है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, उसके table का name student और उसके columns यहाँ पे अब लिखेंगे। पहला कॉलम का क्या नाम है, हमें एस नेम चाहिए, एस आईडी को हमने इंसर्ट नहीं करनी, फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने चलना है। नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, क्लास चाहिए, फोन चाहिए,
आप क्या करोगे, एस नेम है, एस ब्रश है, एस क्लास है, एस स्पून है, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले एस नेम था, एस ब्रश था, एस क्लास था, एस फोन था, उनके टेबल उनके कॉलम्स के नेम लिख दिए। आगे हमने वैल्यूज जो उसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। वैल्यूज बचे यहाँ पे देखें, इसके अंदर जो ऐड करनी है अब वो वाली हमने ऐड करनी है। अब वैल्यू कैसे ऐड होंगी कोई बता सकता है? वैल्यू वो ऐड होंगी जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमने इस इनपुट फील्ड को गेट किया है बाय पोस्ट मेथड से, और हमने उसको स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे वेरिएबल यूज होगा, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा। मैं यहाँ पे अब जब वेरिएबल हमने लिखना होता है ना इतना पीएचपी के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या करोगे उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे। सबसे पहला जो नेम है वो एस नेम है, उसका मतलब आपका यहाँ से स्टूडेंट नेम वाला आएगा, यहाँ पे पेस्ट कर दें। और इसी वाले को आप यहाँ से बचे, इस वाली चीज को यहाँ से आप कॉपी करो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। फिर एक दो एड्रेस के लिए होगा, एस क्लास के लिए हो गया, एस फोन के लिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एड्रेस का जो है मुझे चेक करने दे, यहाँ पे एड्रेस जो एस लिखा हुआ है एड डॉट पी एच पी में जाके, यहाँ पे एस डबल एस है हमारा, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे डबल एस कर दो, यहाँ पे भी डबल एस कर दो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे देखिएगा एस ये एड्रेस वाला हो गया, क्लास वाला कॉपी किया, तो यहाँ पे बच्चे ये क्लास वाला हो गया, क्लास का भी एस, और ये एस फोन वाला हो गया, कॉपी करें और यहाँ पे एस फोन पेस्ट कर दिया। अब क्यूरी जब चलाते हैं या तो हमारी क्यूरी चलती है या तो डाई होता है, ये तो बात पता है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला डॉलर एसक्यूएल वाला, इसको कॉपी करें, ये भी हर जगह आपको चाहिए होता है, पेस्ट कर दें। यहाँ तो क्यूरी चलेगी या तो डाई हो जाएगा। अब हम ऐड करके देखते हैं क्या हमारा जो है वो सारा ठीक चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा मैं कोई नेम ऐड कर देती हूँ, ये यही ऐड कर देती हूँ ताकि आपको पता हो। यहाँ पे पीरमेल ऐड कर दिया, सेलेक्ट द क्लास बी एस सी या बी कॉम कर दिया, फोन ये। अब मैं सेव के बटन पे क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए बच्चे आपको ब्लैंक शो कर रहा है। यहाँ पे पहले जाके हम यहाँ पे होम पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो उसने ऐड कर दिया। अब हम चाह रहे हैं जब हम सेव के बटन पे यहाँ पे डाटा को ऐड करें, हमें डायरेक्ट वो होम के पेज पे लेके जाए। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके आप हमारा फंक्शन होता है पीएचपी के अंदर हेडर, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे लोकेशन और कॉलन। लोकेशन के बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ये जो होम पेज का ऊपर यूआरएल आ रहा है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे बच्चे, और यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दोगे। फाइल को सेव किया, यहाँ सेमी कॉलन लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे ऐड करती हूँ। यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ये, अब ये वाला ऐड कर देते हैं, तोबा सिलेक्ट क्लास बीटेक कर देते हैं, फोन नंबर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे सेव के बटन क्लिक किया तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे लेके आ गए। क्या किया आज हमने, डाटा को इंसर्ट किया। अगेन रिपीट करती हूँ कैसे हमने किया। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अपने कॉलम्स जो होते हैं यहाँ पे देखें, जो आपका फॉर्म होता है उसकी इनपुट फील्ड को गेट करना होता है। इनपुट फील्ड को आपने जो एक्शन के अंदर जो फाइल का नेम लिखा होता है उसके अंदर आपने अपना कोडिंग जो है वो क्यूरी लिखनी होती है, ठीक है। अब इनपुट फील्ड को गेट कैसे किया, हमने यहाँ पे जो नेम इनपुट फील्ड्स को दिए हुए हैं, इनपुट फील्ड को गेट करने के लिए या अपने कोडिंग के अंदर ही या फॉर्म में से कोई भी चीज को गेट करने के लिए आप पोस्ट मेथड का यूज करते हो। यहाँ पे डॉलर पोस्ट, यहाँ से सबसे पहले हमने सारे जो इनपुट फील्ड्स है उनको गेट किया। उन क्यों गेट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज के अंदर उनके नेम लिखने थे। अब यहाँ पे हम लोग मैनुअली के अंदर लिखेंगे, मैं आपको चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप बच्चे, स्टूडेंट के अंदर मैं यहाँ पे कोई डाटा इंसर्ट करती हूँ डेटाबेस के अंदर,
ठीक है, क्लास में वन कर दी, फोन नंबर यहाँ पे भी देखिए कि मैं गो कर रही हूँ, ये आपके पास क्या आ गई, ये क्यूरी आ गई, इंसर्ट इनटू मतलब वो टेबल का नेम और वो कॉलम्स, ये ऐसे लिखना है, वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर जो जो वैल्यू हमने ऐड की वो आई है, बट यहाँ पे हमने एक की तो वैल्यू नहीं ना ऐड करनी, हमने डायनामिक ऐड करनी है, तो इसीलिए हमने हमारे जो इनपुट फील्ड है कि इसके अंदर जो भी बंदा कुछ भी अगर ऐड करेगा तो वो हमारे कहाँ पे ऐड हो जाए, वो यहाँ पे ऐड हो जाए। अब देखो मैंने डेटाबेस के अंदर भी ऐड किया तो मुझे यहाँ पे शो कर दिया उसने, ठीक है। अब आपको बार बार डेटाबेस से लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो, इसलिए हमने ये क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ से उनकी इनपुट फील्ड वैल्यूज की जगह इनपुट फील्ड्स के नेम लिख दिए जो हमने गेट किया था पॉज मेथड से, और क्यूरी चला दी, और लास्ट में हमने लोकेशन को हाइब्रिड कर दिया, मतलब रिडायरेक्ट कर दिया हमारे पेज को कहाँ पे, कि जब वो सेव डॉट पीएचपी पे सेव पे क्लिक करे तो हमें डायरेक्ट होम पे लेके जाए। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछे। नो अभी ओके।